नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सामने बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से शशिकांत शर्मा जी। शर्मा जी, मैं न्यूज इंडिया से विक्रम आपका स्वागत करता हूँ। शशिकांत जी, कुछ दिन पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 1975 की चर्चा करी थी जी, और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी संघ कांग्रेस की सरकार थी, उसको आप हिंदू संगठन और रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के जनक थे, तो उन दोनों को मिलाकर के आप कैसे देखते हैं, उनकी क्या भूमिका देखते हैं? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद की बात नहीं, 1975 में जो दूसरी आज़ादी एक पत्रकारिता जगत को जो मिली है, उनका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी बातें भी कही, उसमें मैं एक नाम लेना जरूर चाहूँगा, रामनाथ गोयनका जी का, जो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे, जिनकी स्थापना रामनाथ गोयनका जी ने की और हमारे संगठन से जुड़े, हमारे संघ से भी जुड़े हुए थे। उस नज़र से मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, जितने भी पत्रकार जगत के लोग हैं, सबको कम से कम इस मूवमेंट पे सामने आके बोलना चाहिए। मैं रामनाथ गोयनका जी की भूमिका की बात कर रहा हूँ। जितना मैंने सुना है, जब 75 में मेरी उम्र थी, शायद मैं 9 साल का था, तब कुछ कुछ धुंधला सा याद है कि 75 में किस तरह का टेंशन का माहौल था। बहुत अच्छा स्टेप रामनाथ जी ने उठाया था और उस स्टेप उठाने की वजह से शायद कांग्रेस सरकार बहुत चारों तरफ से घेरे में आ गई थी, जितना धुंधला सा मुझे याद है। और उस समय से मैं उनका नाम भी सुनता हूँ, रामनाथ गोयनका जी का, पत्रकारिता जगत में। मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि एक सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था भारत सरकार द्वारा, उनको ये सम्मान नहीं मिला अभी तक, इसका अफसोस हमें रहेगा। मोदी जी ने अपने मन की बात में एक बार भी रामनाथ जी का जिक्र नहीं किया, ना ही संघ का जिक्र किया, ना ही हिंदुत्व संगठन का जिक्र किया जी, तो बस 75 की बातें करे और उन्होंने उस बात को फिर जनता पर घुमा दिया। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को कम से कम संघ का, हिंदू संगठन का, रामनाथ जी का जिक्र करना चाहिए? नहीं, मोदी जी ने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर 1975 में जिन्होंने अपनी तरह अपना पूरा त्याग दिया है, उनका नाम अगर लेते तो शायद अच्छा होता था जी। 1975 में जयनारायण जी ने जनता दल की सरकार बनाई थी जी, और जैसा बोला जाता है कि उनको पूरा मीडिया सपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस से ही था, बाकी सारे न्यूज तो पेड हो गए थे जी जी, किया जी, था जी। उसको जो पीएमओ ऑफिस से निकलता था वही चलता था। तो एज मतलब एक हिंदू संगठन से आप जुड़े हुए हैं आज, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो सही था आज जयनारायण जी की सरकार बनना, और जो मीडिया का रोल था वहां पर, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज भारत की स्थिति क्या होती? सर, उस समय अगर वो नहीं हुआ होता तो आज भारत की स्थिति ये क्या होती? शायद हम कहीं ना कहीं दूसरी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। मैं फिर एक बार रामनाथ गोयनका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, लोगों तक अपना संदेश पहुँचाया, और पत्रकारिता की जगत में जितना एक विश्व पितामह की तरह उनको देखा जाता है, तो उनको जो हक उनको मिलना चाहिए। अभी पत्रकारिता क्षेत्र में थोड़ी हलचल है, रामनाथ जी को भारत रत्न मिलना चाहिए बोलकर जी, आप इसमें क्या विचार आपका? नहीं, पत्रकारिता जगत अगर ये चाहता है तो हम सबकी भी यही एक मांग है कि रामनाथ गोयनका जी को पत्रकारिता जगत के लिए एक भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो आप तो संगठन से जुड़े हैं? नहीं, मैं संगठन से बाद में जुड़ा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, फिर भी आप संगठन, और उन्होंने जी जी का नेतृत्व कर रहे हैं जी, और संघ के समर्थन से सरकार चल रही है जी, आज बीजेपी भी संगठन की एक संस्था ही है जी जी, तो आप लोग की बात तो तुरंत सुनी जानी चाहिए। तो आप सीधा दिल्ली जाकर के इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि रामनाथ? नहीं, संघ के द्वारा ये बात, संघ के द्वारा ये बात देश के प्रधानमंत्री तक जरूर भेजी जाएगी कि रामनाथ गोयनका जी जैसे पत्रकारिता जगत में एक नाम है, उन नाम को सही न्याय मिलना चाहिए जी। तो आगे जो है आप इस बात को दिल्ली तक लेके जाएंगे? जरूर, इस बात को हम लोगों ने संघ में ये बात भी आई है कि रामनाथ गोयनका जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है, और वो सम्मान भारत सरकार से ये विनती करूंगा कि भारत सरकार इस पर विचार करे और उनको एक उच्च सम्मान देने की कोशिश करे। 1975 जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी,
उस रात को आप क्या उपमा देना चाहते? सर मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, एक ब्लैकआउट टाइप का हो गया था। काली रात, काली रात हम लोग बोले जाते थे, पूरा ब्लैकआउट, लाइटें बंद कर दी जाती थी और न न्यूज़पेपर आता था न रेडियो चलता था, छोटे वो जो छोटे रेडियो हुआ करते थे, विविध भारती वगैरह आया करता था, टीवी तो उस समय था नहीं। तो कुछ याद हैं, तो बाद में जब लोगों से सुनता था कि वो एक बहुत डरावना एक सपना था जो कि निकल गया। आज की युवा पीढ़ी जिनके जी उनको जानना चाहिए 1975 की हकीकत को, उनको जानना चाहिए, जानना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ियों को संदेश देना चाहूँगा 1975 की हिस्ट्री में आप एक बार जाइए, उस समय जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लोगों की वजह से आज ये पत्रकारिता जगत दोबारा उठ के आई है, उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ें, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि 1975 में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। खाली मृत्यु से ही बलिदान नहीं होता है, आदमी और भी अपने दिल से, तन से, मन से, धन से भी अपना बलिदान देता है। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।